ये यहाँ से हमें परमिट लेना होगा, तो परमिट लेके फिर निकलते हैं हम। हमारे इंडिया का पहला नेशनल पार्क है 1936। आज इंडिया में 100 प्लस नेशनल पार्क है। ये टाइम है जिसमें आप आए हो, सबसे ज्यादा टाइगर दिखने का टाइम ये होता है। भाई बाघ देखो रास्ते में, बिल्कुल देखने। वेरी गुड। तो पूरी तरीके से आप रेडी हो चुके हैं शावर वगैरह लेके, अभी निकलने वाले हैं जंगल सफारी के लिए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि आपको पता कि कल हम यहाँ पे पहुँच गए थे रामनगर, और यहाँ से जाना था कल सफारी के लिए, लेकिन कल बुकिंग नहीं होने की वजह से कल हम नहीं जा पाए। फिर कल रात को लेट नाइट तक हमारी बुकिंग हुई, और बुकिंग के बाद अब हमारा नंबर है 5 बजे का। तो 5 बजे का तो फटाफट हम निकलते हैं, क्योंकि वहाँ पे लेट हो गए तो हमारा जो चांस है टाइगर वगैरह देखने का वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग और शाम को इवनिंग दो टाइम ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें टाइगर देखने को मिल सकते हैं। सो निकलते हैं लेट ना होते हुए। सो गाइस, फाइनली हम सफारी के लिए निकल चुके हैं, और हमारे राइडर है युवराज भाई, जो सारे जंगल को हमें एक्सप्लोर कराएगा। सो अभी यहाँ से लगभग हमें 35 किलोमीटर जाना है, 35 किलोमीटर के बाद ही हम जंगल के अंदर एंट्री कर पाएंगे। पहले हमें परमिट लेना है, परमिट के बाद ही आगे जाने दिया जाएगा। तो परमिट लेते हैं फटाफट चल के। तो बारिश आने लग गई है, उत्तराखंड का आज भी 60-70% एरिया जंगल है। उत्तराखंड में इतना ही फॉरेस्ट नहीं है जितना आप देखने आए हो जिम कॉर्बेट, समझ रहे हो ना। कई लोगों को लगता है कि हम यार उत्तराखंड जा रहे हैं जिम कॉर्बेट, वहाँ पे उतना ही फॉरेस्ट होगा जितना जिम कॉर्बेट होगा उसके अंदर एनिमल रखे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है बड़े भाई। उत्तराखंड में उत्तराखंड का 60-70% एरिया फॉरेस्ट है आज भी, और आज से 30-40 साल पहले इससे भी ज़्यादा एरिया पूरा फॉरेस्ट रहता था। तो गवर्नमेंट ने इंसानों का और जानवरों का संघर्ष बार बार ना हो करके जंगल के 3 पार्ट किए थे। जब देश आजाद हुआ था उसके बाद जब डेवलपमेंट बड़ा होगा तो गवर्नमेंट ने जंगल के 3 पार्ट किए। तो सबसे पहला पार्ट रखा बफर जोन। बफर जोन क्या है, जैसे ये रोड है जी, ये एक रजिस्टर्ड गांव के लिए जा रही है, पक्की रोड जा रही है ना, बट पूरा अगल बगल जंगल है, पूरा जंगल है, पूरा घना जंगल है। पर ये जो रोड जा रही है वो एक सिटी पड़ती है मालधन के लोग जो है यहाँ पे पहले से रह रहे हैं, पुश्ते नहीं 50-60-70 साल पहले से रह रहे हैं। तो जब गवर्नमेंट आजादी के बाद इस एरिया को डेवलप करने का आया होगा, तो जब डेवलप करेगी तो लाइट और रोड देगी विलेज में, ठीक है। अब लाइट और रोड देगी तो रोड फ्लाईओवर से तो जाएगी नहीं ना जी। जंगल के बीच में से होता हुआ पीडब्ल्यूडी का पक्का रोड जो एक रजिस्टर्ड गांव के लिए जाता है उसे बोलते हैं बफर जोन। आज गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्टेड है, आज गवर्नमेंट जंगलों में फ्लाईओवर डाल ली। क्या आज से 30-40 साल पहले डालती, नहीं डालती ना, नहीं डालती। जंगलों के बीच में से होता हुआ पीडब्ल्यूडी का जो पक्का रोड जाता है उसे बोलते हैं बफर जोन। इस बफर जोन में उन विलेजेस लेडी का, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले वहां खड़े बताया था कि जितने जोन है ये कॉर्बेट के, टिकाला, बिजरानी, झिरना, ढेला, इसी जमाने में ये सारे गांव थे, समझ रहे ना, सारे गांव थे, पहले गांव थे। सबसे पहले अंग्रेज पहुंचे ढिकाला वाले पार्ट में 1936 में। तो वहां वाला उन्होंने क्या किया, जब टाइगर संरक्षण की बात चली तो इनके पास क्या था, अपना घना जंगल था, पानी भी था, नहीं था तो वो था ग्रासलैंड जो टाइगर का हंटिंग एरिया होता है। तो इन्होंने क्या किया, जितने विलेजेस थे उन सारे विलेजेस को शिफ्ट किया बाहर, जंगल से बाहर शिफ्ट किया, और उनके खेतों को ग्रासलैंड बनाया। आज भी ऐसी है वीरे, पर आज क्या है जो गांव है वो ज्यादा बड़े। आप यहाँ पे एक चीज देखा आपने उत्तराखंड आके, यहाँ पे क्या है, कस्बे हैं फिर जंगल है, फिर कस्बे है फिर जंगल है। सही बात है, यही चीज आज से पहले भी थी, पर वो ज्यादा डेंस में होते थे, बड़े होते थे। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, उन विलेजेस को सारा शिफ्ट किया और उनके खेतों को ग्रासलैंड बनाया। तो टाइगर को तीनों चीज मिल गई, समझ रहे हो ना, जंगल मिल गया, पानी था ही था, और ग्रासलैंड भी मिल गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद धीरे 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 सारे जोन जितने हैं, सारे विलेज थे, इन सारे विलेजेस को शिफ्ट किया था धीरे, ठीक है। तो हमारा इसमें जंगल में कन्वर्ट कर दिया, जंगल के बाहर, जंगल के बाहर कन्वर्ट किया, जो उनके खेत थे उसे जंगल में कन्वर्ट किया। समझ रहे हो ना, जंगल तो था ही, पूरा जंगल ही था सर, छोटे छोटे से गांव होते थे जंगलों में बसे हुए ना, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, आज से 100 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। से उठाकर बाहर डाल दिया। हाँ, तो जो विलेजेस
लेडी को बाहर शिफ्ट किया था उन विलेजेस लेडी को 1972। हमारे देश में क्या है ना, हमारे देश में जानवरों का कानून भी है वीरे, जो बना था 1972 में, और 1971 से पहले हमारे देश का नेशनल एनिमल रहता था लायन, समझ रहे हो ना। हाँ, उसके बाद जब टाइगर संरक्षण की बात, टाइगर बहुत कम होने लगे थे यहाँ पे, तो संरक्षण की बात चली, तो इसलिए भी इसे नेशनल एनिमल बनाया कि लोग उसके कानून, उसको मतलब मारने वारने का थोड़े पोचिंग वगैरह कम हो करके, इसीलिए। तो 1972 जो फॉरेस्ट एक्ट है, फॉरेस्ट एक्ट का मतलब क्या है वीर, थोड़ा ये भी समझा देता हूँ क्योंकि बात टूटती रहेगी जंगल में, क्या ना एक कड़ी बताऊंगा तो उस कड़ी को बताने के लिए मुझे पूरी बात समझानी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगी, नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगी, सही है ना। तो फॉरेस्ट एक्ट का क्या मतलब है, हमारे देश में जानवरों के कानून है, उनका भी एक संविधान है जो बना था 1972 में, और जिस पार्क को आप विजिट करने जा रहे हो, ये हमारे इंडिया का पहला नेशनल पार्क है 1936। हमारे इंडिया का पहला नेशनल पार्क है 1936। आज इंडिया में 100+ नेशनल पार्क है। हमारे इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व है 1973। आज ये इंडिया में 42+ टाइगर रिजर्व है। तो इसकी वैल्यू आप समझ सकते हो किस लेवल की है। ये पहला है, समझ रहे हो ना, बाकी बहुत है यहाँ पे, पर ये पहला है। तो पहले की वैल्यू अलग रहती है वीरे। तो हमारे जो जानवरों का कानून बना था 72 में, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सलमान खान वाला मैटर। सलमान खान ने दो तरीके की हत्याएं की थी, एक तो रोड पे चलते हुए लोगों को मारा था, और एक मारा था ब्लैक बग, जो डियर मारा था, काला हिरन वाला, हाँ, ब्लैक बग बोलते हैं। तो दोनों मामले कोर्ट में गए, एक गया ह्यूमन एक्ट से, एक गया एनिमल एक्ट से। तो ह्यूमन एक्ट में गवाही चलती है, वहाँ जज के सामने गवाह ने बोल दिया कि सलमान साहब गाड़ी नहीं चला रहे थे, हम चला रहे थे, तो कोर्ट ने मान लिया, समझ रहे हो ना, ठीक है। बट एनिमल एक्ट में गवाही नहीं चलती वीरे, एनिमल एक्ट में गवाही नहीं चलती। वहाँ भी कई कहने वाले हैं कि सलमान ने गोली नहीं चलाई, हमने चलाई, पर कोर्ट कह रहा नहीं बेटा, सलमान गोली आप ही ने चलाई है और जेल भी आप ही जाओगे, क्योंकि एनिमल एक्ट में क्या होता है ना, गवाही नहीं चलती, समझ रहे हो ना, जो दोषी पकड़ा जाता उसी को जेल होती है। एनिमल का कानून इसलिए सख्त होता है वीरे, मैं आजकल का टाइम देख के बता रहा हूँ कि जरूरत पड़ने पे आज के टाइम में आदमी अपने बाप को बेच दे जानवर, तो दूर की चीज है। आप सुनते होंगे कई केस ऐसे ना, पता है, जानवर को कौन पूछ रहा है यार, अगर नहीं होता तो उनको तो लोग घर में नॉर्मल तरीके से बनाते अपने, तो एनिमल एक्ट है हमारे वहाँ पे ना, उस वजह से जरा तगड़ा है यहाँ पे, इसलिए इनके सख्त कानून होता है कि जानवरों की पैरवी कौन करेगा मेरे भाई, समझ रहे हो ना, जानवरों की पैरवी कोई नहीं करेगा, इसलिए उसका कानून बनाया। तो उस फॉरेस्ट एक्ट के तहत उन विलेजेस लेडी को, जो कभी जंगल के अंदर रहते थे, जिन्हें बाहर शिफ्ट कर दिया, जी जी, उस बफर जोन में जहाँ पहले भी चल रहे थे ना, लकड़ी काटना और घास ले जाना अलाउड होता है, समझ रहे हो ना, याद रखना, उन विलेजेस लेडी का जो कभी बाहर शिफ्ट किया है, जो कभी अंदर रहते थे, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जाना अलाउड है बफर जोन में, और टूरिस्ट का कमर्शियल यूज लेने का अलाउड है, समझ रहे हैं, रोड का कमर्शियल यूज लेना है, ठीक है। और दूसरा आ जाओगे सफारी जोन। हमारे देश में जानवरों का एक कानून है जो अभी बताया 1972, इस 72 फॉरेस्ट एक्ट के तहत हमारे स्टेट गवर्नमेंट को ना, हमारी स्टेट गवर्नमेंट को बट लिमिटेड एरिया में टूरिज्म कराने का लॉ है। आप मुझे बताओ, गवर्नमेंट जंगल के कितने परसेंट एरिया में टूरिज्म कराती होगी, बताओ, 20% एरिया में, 20% एरिया में घुमाती है, 20% एरिया में भी 8 गेट है, समझ रहे हो ना, आप थोड़ा सा एक पार्ट घूमने जा रहे हो वीरे। गवर्नमेंट का जो पहला मोटिव है ना आपको, वो है सिर्फ आपको वो दिखाना, क्या जंगल दिखाना, जो दिखता है वो आपका बोनस है, जो दिखता है वो आपका बोनस है। तो दूसरा जो एरिया होता है उसे बोलते हैं सफारी जोन, जो 20% एरिया होता है, जिसमें अभी आगे जाएंगे, दूसरा पार्ट आ गया ना, एक था बफर, एक हो गया सफारी, ठीक है। तीसरा होता है कोर जोन, कई लोग बोलते हैं अरे कोर जोन में घुमाओ यार, कोर जोन में, तो कोर जोन में क्या होता है, सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जाना अलाउड होता है, ना टूरिस्ट जाता है ना विलेजेस जाते हैं, और सफारी जोन में टूरिस्ट जाता है, फॉरेस्ट वाले जाते हैं और विलेजेस नहीं जाते हैं। वो कोर है, वो सफारी है, ये बफर है, ये नाम किसने रखे हैं बताओ, ह्यूमन ने, इंसानों ने नाम रखे ना, ये नाम जानवरों को तो नहीं पता, ये जानवर को तो नहीं पता ना, ये कॉर्बेट है, वो सीता बनी है, ये वेस्टर्न सर्किल है, नहीं पता वीरे। तो जहाँ जहाँ तक उसका हैबिटेट जाता वहाँ वहाँ तक इजिली जानवर जाते हैं, समझ रहे हो आप, ठीक है, आया समझ में ना कि जंगल का क्या फंडा है। ये जो देख रहे हो क्या है, ये पहाड़ जो देख रहे हो ये क्या है, ये है सारी शिवालिक रेंज, ये है शिवालिक रेंज, यहाँ से हिमालय के पहाड़ शुरू होते हैं, समझ रहे हो ना, जो रामनगर का रेलवे स्टेशन है इससे ऊपर ट्रेन नहीं जाता है, और जो काठगोदाम है ये दोनों आमने सामने है, अच्छा। समझ रहे हो ना, तभी इससे ऊपर ज्यादा अंग्रेज नहीं चढ़े थे, क्योंकि रेल पटरी जाती नहीं थी ना ऊपर को, तो यहाँ से पहाड़ शुरू होता है, ये सारे शिवालिक रेंज है। तो हमारी वहाँ की जो नदियाँ हैं ये है सीजनेबल, इनमें बरसातों में पानी रहता है, ठीक है ना, और बरसात के बाद जो इनमें पानी रहता है वो रहता है
स्प्रिंग वाटर जो पानी जमीन से निकलता है ना वो पानी रहता है। हमारे यहाँ की नदियों में आइस मेल्ट वाला पानी नहीं है ब्रो। आप यहाँ पे जितनी नदियाँ देखोगे ना इनमें सारा स्प्रिंग वाटर है यहाँ पे अगल बगल, जो थोड़ा जो जमीन से पानी निकलता है ना वो पानी रहता है। धीरे धीरे गर्मी पड़ने पे सब सूखने लग जाता है। हाँ। तो जितनी नदियां आपको मिल रही होंगी अभी आपने कल नैनीताल से आते भी देखा होगा सारी सूखी हैं। सूखी है बिल्कुल। बरसात में इनका इतना रौद्र रूप होता है कि आप बिलीव नहीं करोगे कि ये सूखी नदी में इतना पानी होता है। अच्छा। इतना पानी होता है, इतना पानी होता है कि बहुत बड़े बड़े पेड़ बह के आते हैं पता है। क्योंकि जो हमारे यहाँ की नदियों में जब यहाँ बारिश पड़ती तब पानी नहीं आता है, हमारी नदियों में तब पानी आता है जब पहाड़ों पे बारिश पड़ती है। ओके, आपने पढ़ा होगा या सुना होगा हमारे यहाँ के उत्तराखंड के तीन पार्ट है, एक पहाड़ कहते हैं, एक तराई कहते हैं, एक भाबर कहते हैं। सुना आपने? नहीं, सुना नहीं। अंकल ने सुना होगा। तो पहाड़ तो पहाड़ हो गया, ठीक हो गया। तो भाबर क्या होता है और तराई क्या होता है? भाबर होता है वो बेल्ट जहाँ पे पहाड़ खत्म होते हैं और तराई शुरू होता है। ये जो बेल्ट है ना, ये वाली बेल्ट, ये बेल्ट सीधे इधर टनकपुर तक लगी हुई है। पहले यहाँ पे इंसान नहीं रहते थे। किसी जमाने में गोविंद बल्लभ पंत ने यहाँ कहा था लोगों से बसो, ये बहुत बर्ड है ना, बसते नहीं थे लोग यहाँ पे। बाघों का डर रहता था, बीमारियां फैल जाती थी, हैजे वैजे। तो बहुत पहले लोगों से यहाँ पे बसो बोला था, तब धीरे धीरे आबादी। ये है भाबर बेल्ट और इससे नीचे को शुरू हो गया तराई, समझ रहे हो ना? ठीक है। थोड़ा सा नीचे जाके तराई, भाबर वो बेल्ट होती है जहाँ पे पहाड़ खत्म होता और तराई शुरू होता। तो यहाँ पे जो पानी होगा हमेशा पानी आएगा ज्यादा और स्लोप में आएगा, क्योंकि ऐसे है ना, ऐसे जाना है ना पहाड़ से निकलना पानी, तो स्लोप में आएगा और सीधे पानी नीचे जाएगा। हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से यहाँ रुकता नहीं है पानी। अच्छा। यहाँ की नदियों में यहाँ तैरता नहीं है पानी। ये है मालदान एरिया, देखो बड़ा एरिया है नहीं है। अब यहाँ तो गवर्नमेंट रोड देगी देगी। हाँ। आपने सोचा था जंगल के बाद ऐसा कोई गाँव आएगा? नहीं 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 सोचा था। टाइगर इधर भी आ जाते हैं? टाइगर इधर नहीं आते वीरे। देखो पहले एक चीज बता दो, टाइगर आबादी वाले एरिया में कभी नहीं आता है। टाइगर क्या है मतलब, आप क्या समझ के आए कि आप जाओगे जंगल में ऐसे ही आपको टाइगर दिख जाएगा? ऐसा नहीं होता फिर। लक का बहुत ज़्यादा चांस रहता है पहले तो टाइगर का, और दूसरा लोग हमारे वीडियो के बाद हमसे पूछते हैं कि युवराज भाई क्या सही समय रहता आने का। मैं बोलता हूँ भाई देखना क्या चाहते हो, आदमी को कुछ पता नहीं, खाली यार हमें टाइगर दिखा दो। भाई जूत हो रही है वो या मेरा बात के तोरी रखा हुआ है वहाँ पे जानवर? सही है, नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट है ये जंगल। ऐसा जंगल है जहाँ पे कई सालों से जो लाखों रुपए करोड़ों रुपए की गिरी हुई लकड़ी, समझ रहे हो ना, जो लकड़ी गिर जाती है चाहे तो उसका ये फर्नीचर बना सकते हैं, बेच के रेवेन्यू ले सकते हैं, पर नहीं बेचते। क्यों? क्योंकि जो जंगल आज आप देखने आए हो 25 30 40 साल बाद ये बच्चा भी यही जंगल देखने आए। ये तभी होगा जब आप जंगल को जंगल के हालात में छोड़ोगे। नेचर का गिरा हुआ पेड़ भी एक फूड चेन का काम करता है, फूड चेन का काम करता है। आपको बता रहा हूँ ना, अभी आगे समझाऊंगा। तो ये जंगल क्या है, नेचुरल हैबिटेट। बोले तो यहाँ पे कोई एनिमल्स को फूड प्रोवाइड ये करना वो करना, चोट लग गए इलाज रकड़म बकड़म, कुछ नेचुरल है, सब कुछ नेचुरल होता है यहाँ पे, समझ रहे हो ना। हाँ। तो यहाँ पे देखिए, तो लोग बोलते हैं क्या सही समय रहता है, बोलते देखना क्या चाहते हो। देखो भाई अगर जंगल खूबसूरत देखना है तो बरसात में आओ। बरसात में जो खूबसूरती आपको दिखाई देगी वो साल में कभी नहीं दिखाई देगी। वजह इसलिए क्योंकि जंगल पूरा हरा भरा हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे जंगल ने अपना पूरा श्रृंगार किया हुआ है। ठीक है। और दूसरा टाइगर साइटिंग जीरो। क्यों? क्योंकि जब उसे अपने बेडरूम के पास ही पानी मिल रहा है तो बाहर क्यों निकले? सही बात, सिंपल सा लॉजिक, शाही एनिमल है टाइगर, सॉलिटरी, एवे नहीं आता बाहर। ठीक है। और दूसरा रहता है आपका जाड़ों वाला टाइगर। विंटर में बरसात के मुकाबले जाड़ों में जंगल और ज्यादा घना हो जाएगा, पर बरसात के मुकाबले टाइगर साइटिंग जाड़ों में बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अक्टूबर लास्ट वीक से लेके फरवरी फर्स्ट वीक ये टाइगर का मेटिंग सीजन का टाइम होता है। ठीक है। इस टाइम पे मेल फीमेल बच्चे सारे मूवमेंट कर रहे हैं, तो जंगल में टाइगर तो मूवमेंट कर रहा है, बट हमें कहाँ दिखेगा? जब वो खुली जगह पे आए, राइट। ठीक है। अब आ जाओ, विजिबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ती है समर में, जो ये टाइम है जिसमें आप आए हो, सबसे ज्यादा टाइगर दिखने का टाइम ये होता है। क्यों? क्योंकि फरवरी से क्या होता है, हमारा पतझड़ शुरू हो जाता है ना फरवरी मंथ से पतझड़ शुरू हो जाता है। अच्छा। और मई जून आने में जंगल पूरा ड्राई हो जाएगा, समझ रहे हो ना। हाँ। तो विजिबिलिटी इसलिए बढ़ती है, एक तो आप पहले दूर दूर तक देख पा रहे हैं और टाइम में आप दूर दूर तक देख नहीं पाते, मतलब आपके बगल में भी टाइगर बैठा होगा तो वो कैमोफ्लाज की वजह से आपको दिख नहीं पाएगा। सही बात। और समर में विजिबिलिटी बढ़ने का कारण क्या है, जब पीक गर्मी पड़ती है, मैंने आपको बताया यहाँ की नदियों में जो पानी है वो स्प्रिंग वाटर है, तो जब मई जून की गर्मी पड़ती है वो सूखने लगता है, तो टाइगर कहाँ मूवमेंट करेगा? खाने के बगैर रह सकता है? पानी के बगैर नहीं रह सकता। सही बात। वो मूवमेंट करता है उन मैनमेड वाटर बॉडियों पे जो अधिकतर फॉरेस्ट वाले हमारे सफारी ट्रैक के आजू बाजू में बनाते हैं तालाब। ठीक है। समझ रहे हो ना, जंगल को मेंटेन करती है गवर्नमेंट, तालाब बनाती है, ग्रास लैंड कटवाती है, तो उनमें तालाब भी आते हैं और हमारे सफारी ट्रैक के आजू बाजू में इसलिए होते हैं
कि एनिमल को पानी मिल जाए और आप देख भी पाओ। एक ही पिक्चर की शूटिंग हुई थी काल काल पिक्चर की काल पिक्चर का शूट हुआ था विवेक ओबरॉय अजय देवगन नारा दत्ता वाला। अरे हमने मैंने इससे पानी लगा दी लोगे मेरा परमिट हटाना है। अरे हटा करो उतर ही नहीं सकते ना तो यहाँ से मिलता है परमिट परमिट लेके फिर निकलते हैं आगे की ओर। ये यहाँ से हमें परमिट लेना होगा तो परमिट लेके फिर निकलते हैं हम। सो परमिट लेने के लिए यहाँ पे जितने गाड़ी में मेंबर आए हैं उन सभी का नाम और एज ये सारी डिटेल्स यहाँ पे देनी होती है क्योंकि हम जा रहे हैं जंगल में और आपको बताया ना जंगल डेंजर जगह। ये मेरे पीछे आप देख सकते हो सभी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है जो सफारी करवाएगी क्योंकि यहाँ से परमिट लेना होता तो सभी परमिट लेने में लगे हुए हैं और परमिट लेके फिर आगे धीरे धीरे एक एक करके गाड़ियाँ सारी निकल रही है। अभी बारिश बहुत तेज आ रही है त्रिपाल गाड़ी को लगा रहे हैं और अंधेरा आप देख सकते हो कितना हो गया है तो देखते हैं कि बारिश कितनी देर तक होती है और हमें जंगल में सफारी का जो आनंद है वो आ पाता है या नहीं। एम्बो सेंटर है ना बड़े भाई टेरिटरी बना के रहता है कैसे रहता है आपने सुना होगा जितना कि टाइगरों के इनकी गुफाएं होती हैं ऐसा कुछ नहीं होता इसकी होती है अपनी टेरिटरी। कितने स्क्वायर किलोमीटर में बनाता है कैसे बनाता है ये बताता है स्क्वायर किलोमीटर में वो डिपेंड करता है जंगल में खाना कितना है। अगर जंगल में हिरन कम है तो ज़्यादा 20-25 स्क्वायर किलोमीटर बना सकता है। अगर हिरन ज़्यादा है फूड उस पर अवेलेबल है तो 9-10 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे जो टेरिटरी है वो 9-10 स्क्वायर किलोमीटर की है और टेरिटरी हमेशा बनाता है मेल। अब आप सोचोगे 9-10 स्क्वायर किलोमीटर में एक ही मेल टाइगर है नहीं कितने होंगे एक मेल टाइगर की टेरिटरी में मैक्सिमम 2 या ज़्यादा 3 फीमेल आ जाती है। तो 2 फीमेल मान लो एक मेल 3 हो गए एक फीमेल को मैक्सिमम 3 बच्चा मान लो और माँ बच्चों को 2.5-3 साल की उम्र तक अपने पास रखती है या तो उसका बच्चा माँ को भगा देता है या माँ बच्चे को भगा देती है। पर 2.5-3 साल की उम्र में वो बेबी उस माँ की नज़र में कब्स है हमारी नज़र में कब्स है बट आपकी नज़र में कब्स नहीं है। वो 2.5-3 साल की उम्र में इतना ग्रो कर जाएगा कि लगभग माँ जितना बड़ा हो जाएगा। एक फीमेल को 3 बच्चा 2 फीमेल को 6 3 बड़े 9-10 टाइगर ही है 9-10 स्क्वायर किलोमीटर एक टेरिटरी में लगता है एक टेरिटरी। और कैसे बनाता है ऐसे ना अपने पैरों पे खड़ा होगा पेड़ों पे क्लो मार्किंग करता है ऐसे रगड़ता है टाइगर। हाँ, देखा होगा क्लो मार्किंग उससे 3 काम होते हैं। सॉफ्ट पेड़ों को चूज करता है जिससे उसके नाखून साफ होते हैं शार्प होता है उसकी टेरिटरी मार्क होती है। ये बताना होता है ना अगले बाघ को कि देख भाई मेरे पंजे की ताकत इतनी है तेरे में दम है तो विजिट करना नहीं तो मत आना। और दूसरा यूरिन की स्मेल से कवर करता है आपने डॉग पे बिल्ली को देखा होगा अपने घरों में तो यूरिन की स्मेल से कवर करता है। टाइगर का अपने टेरिटरी होता है उसमें कोई दूसरा टाइगर विजिट नहीं कर सकता। हाँ फीमेल आ सकती है मेल कोई दूसरा विजिट नहीं करेगा करेगा तो लड़ना पड़ेगा जीतना पड़ेगा तब उसमें टेरिटरी उतना देना पड़ेगा ये रहता है। और ये जो देख रहे हो मिट्टी के बड़े बड़े से घर दिख रहे हैं आपको वो दिख रहा है दीमक का घर वो बना हुआ एंटीलर ऐसे आपको कई दिखेंगे जंगल में। ये क्या है पता ये नेचर का बहुत अहम पार्ट है। इस जंगल में फूड चेन चलती है ये जिसमें आप घूमने आए हो यहाँ फूड चेन वाला मैटर है। तो इस फूड चेन में सबसे ऊपर क्या है टाइगर और सबसे नीचे क्या है ये टर्माइट। ये मेरी उस बात से रिलेटेड है जो मैंने बताया था यहाँ गिरा हुआ पेड़ नहीं उठाते हैं। टर्माइट में क्या होता है प्रोटीन होता है ये नेचर के फूड चेन को डेवलप करता है प्रोटीन। तो टर्माइट कैसे डेवलप होता है टर्माइट डेड ट्रीज को डीकम्पोज करता है। अगर फॉरेस्ट वाले गिरा हुआ पेड़ उठा लेंगे तो टर्माइट क्या डीकम्पोज करेगा टर्माइट ने डेड ट्रीज को डीकम्पोज किया टर्माइट हिल्स बना टर्माइट्स को बर्ड्स बर्ड्स को स्नेक स्नेक को ईगल इस तरीके से फूड चेन मेंटेन करता है। हमारे घर में अगर दीमक लग जाए तो हमारे घर के लिए नुकसानदायक है बट जिस फॉरेस्ट में जितना ज्यादा होगा ना वो उतना हेल्दी फॉरेस्ट का साइन है समझ रहे हो ना हेल्दी फॉरेस्ट है मतलब जहाँ जितना ही दीमक के घर दिखेंगे मतलब स्वस्थ जंगल है पूरा यहाँ का। यहाँ पे टाइगर बढ़ रहे हैं ये किस चीज़ का साइन है आपको पता कि हमारे यहाँ का इकोसिस्टम बढ़िया चल रहा है। धीरे मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ पर एक बात बता दूँ आने वाले टाइम में जो सच्चाई है ना सर वो सिर्फ और सिर्फ नेचर है
नेचर तो नेचर देख लेना, आदमी कितना चांद पे पहुंच जाए, कितना ही विज्ञान में आगे बढ़ जाए, जो नेचर का मामला है वो नेचर। एक ही बीमारी ने देखा सब लोगों को वापस कर दिया। दूसरा जो लोग हैं हमारे यहाँ के, जो यहाँ के बाजारों में जो सब्जियाँ भी बिकती है, और अधिकतर जो विलेजेस या मैं भी समझ लो तो मेरी भी, तो हम लोग घर का दूध दही और घर की जो सब्जी, जिससे इम्यूनिटी बढ़िया रहती है, समझ रहे हो ना, चाहे घर का दूध हो आप पैकेट का दूध लेते, जो भी बहुत इम्यूनिटी वाला मैटर था। तो यहाँ पे बिल्कुल कोविड का कोई मैटर पता ही नहीं चल पाया था, ना के बराबर। अरे पूरा फर रखा है। एक चीज बताना मेरे को कि ये जंगल में अभी बारिश हो रही है, तो एनिमल्स जो है वो बाहर निकलेंगे या नहीं इस टाइम? बाहर निकलने का क्या रहता है, नॉर्मल जो कॉमन वाइल्ड लाइफ है इस वाले जोन में डियर वगैरह का तादाद तो अच्छा खासा है, बट यहाँ पे दिखने को लेके क्या रहता है, हमें लिमिटेड वार्मिंग ट्रैक देती है। तो इस वाले जोन पे कमी क्या है, वो ग्रासलैंड नहीं है, अपना ग्रासलैंड नहीं है, और ग्रासलैंड में जो डियर वगैरह रहता है इनका मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है। और रही बात टाइगर की रहती है, तो बारिश के बाद थोड़ा मूवमेंट ना डिस्टर्ब हो जाता है। अगर ये बारिश पड़ी छोटे छोटे गड्ढों में भी पानी भर रहा होगा, कि गर्मी का टाइम है, मैंने पहले भी बताया था पानी के लिए टाइगर मूवमेंट बाहर करता है ज्यादा। अगर ऐसी जगहों पे गड्ढों पे पानी भर रहा है तो टाइगर छोटे से में संतुष्टि कर लेता है, उसे वही जब उसे अपने बेडरूम के पास ही पानी मिल रहा है तो बाहर क्यों निकलेगा, समझ रहे हो ना। और रही बात दूसरे बड़े जानवर में एलिफेंट का तो बड़े भाई प्रॉपर कोई एरिया नहीं होता। एलिफेंट एक माइग्रेट करने वाला जानवर है, खाता रहता चलता रहता, 24 घंटे में से 16-17 घंटे चलता है, इसलिए उसका कोई प्रॉपर एरिया नहीं। इस वाले एरिया में एलिफेंट आजकल ज्यादा इसलिए आता है क्योंकि अगल बगल जो आप गर्मी का टाइम है, जो एक तो बड़े पेड़ लगे हैं मेरे, ये जो बड़े पेड़ हैं ये है साल वुड समझते, साल टीक वुड हो गया अपना, साल पीछे जो अपने देखे थे वो टीक वुड थे जहाँ से आप आए थे। तो टीक वुड क्या है, यहाँ पे प्लांट किया हुआ है टीक, समझते हो आप लोग, टीक का लकड़ी काफी अच्छा होता है ना, किस काम आता है, फर्नीचर का रहता है ना, और फर्नीचर कौन यूज करता है, इंसान है ना। तो इंसान इतना, और जंगल किसका है, जानवरों का, मतलब इंसान इतना महत्वाकांक्षी है कि जानवरों की रहने वाली जगह पे अपनी जरूरत का पेड़ लगाया, जो बाहर की तरफ थे, ये नहीं, ये तो अच्छे पेड़ है, जो बाहर की तरफ थे। टी कोड में दिखाऊंगा, आगे भी पड़ेगा भी फॉरेस्ट उसका, मतलब देखो एक अजीब विडंबना है हम इंसानों की बाजार में। यहाँ पे वो पेड़ सबसे ज्यादा महंगा है जिसका लकड़ी जो है, जिसका पेड़ जो है जानवरों के लिए और नेचर के लिए बहुत खराब है। ये अंग्रेज हमें देखे गए हैं वीरे, सब ये नासूर दे गए हमें अंग्रेज। ठीक हो गया, यूकेलिप्टिस हो गया, आप ऊपर पहाड़ों पे गए होंगे, पाइन के पेड़ मिले होंगे, कहाँ से आ गए पाइन का पेड़। हमारे उत्तराखंड का स्ट्रेट ट्री तो बुरास है, हमारे उत्तराखंड का जो स्ट्रेट ट्री है वो है बुरास, हमारे पहाड़ों पे पाइन का पेड़ कहाँ से आया। पहले हमारे पाइन के पहाड़ों से स्प्रिंग वाटर बहुत निकलता था, नीचे बाढ़ बहुत आती थी, तो इन्होंने पहाड़ों का पानी पहाड़ों में खत्म करने की सोची, पूरा अंग्रेजों ने पहाड़ों पे पाइन का पेड़ लगा दिया। ये पाइन के पेड़ मिल के कई किलोमीटर दूर से पानी खींच लेते, समझ रहे हो ना, कई किलोमीटर दूर से। आज पहाड़ों की ये स्थिति, वहां के लोग पानी के लिए तरसते, जहां कभी खुद ब खुद जमीन से पानी निकलता था, स्प्रिंग वाटर जो बोलते हैं ना। तो ये टीक हो गया, यूकेलिप्टस, पाइन, ये सब बेकार पेड़ है वीरे। जो ये बड़े बड़े पेड़ देख रहे हो ना, ये है साल वुड, ये अच्छे पेड़ है। ये तो फिर अभी इसमें टीक भी शुरू हो गया, पर जो पीछे वाला फॉरेस्ट चल रहा था वो था साल वुड का। साल का कहावत है यहाँ पे, 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, बस 100 साल सड़ा। बोले तो 100 साल जिंदा पेड़, 100 साल कटना, 100 साल सड़ने में लगा था। अगर पानी लग गया तो 500 साल है, जिसे आप आयरन वुड भी बोल सकते हो, ठीक है। उसमें कारीगर भी कारीगरी नहीं कर पाता, इतना मजबूत पेड़ होता था। अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा भारी तादाद में यहाँ से साल का फॉरेस्ट कटवाया था। आपको पता अंग्रेज इसका क्या बनाने में यूज करते थे, क्या बनाते होंगे इसका, आप लोग मुझे बताओ। ट्रेन की पटरी, रेलवे ट्रैक बनाने में यूज होता था। इसने यहाँ से बहुत ज्यादा भारी तादाद में साल का फॉरेस्ट कटवाया था। बाद में इस पेड़ की भरपाई करने के लिए यहाँ पे सागवान लगा दिया, टीक वुड लगवा दिया था, समझ रहे हो ना। साल भी लगा सकते थे, साल क्यों नहीं लगाया, बट साल होगा तो नेचुरली होगा, उसे आप ना प्लांट नहीं कर सकते, समझ रहे ना। और साल का पेड़ इतना पेड़ अच्छा पेड़ है, जो बरसातों में पानी स्टॉक करता है, समर में रिलीज भी करता है, और अपने साथ साथ और पेड़ों को भी ग्रो करता है। पर जो टीक वुड होता है, इसके नीचे देख रहे हो सूखा पड़ा है, देखो पूरा पड़ा है ना सूखा, पर जहाँ साल वुड होगा इसके नीचे पूरा हरा भरा रहेगा पीछे साल का। तो ये मैंने बताया ना, सारे पहले विलेज था यहाँ पे, इसके अंदर भी बात पहले लगाए थे साल, अब तो खैर इसके अंदर ऐसा लगा, मतलब टीक लगाया था, लगाना या ले जाना कुछ ऐसा अलाउड नहीं है। बट गवर्नमेंट अब जागरूक हुई है, गवर्नमेंट को बहुत बाद में पता चला, तब हो सारी जब पता चला भाई यार हमारा तो साला ग्राउंड वाटर बहुत नीचे घुस गया, समझ रहे हो ना, तभी गवर्नमेंट को अब करोड़ों का प्रोजेक्ट चलाना पड़ा, सेव द ग्राउंड वाटर। और भाई आपने मुझसे स्टार्टिंग में पूछा था ना एक सवाल कि इसका पार्क का नाम जिम कॉर्बेट क्या पड़ा था, मैंने आपको बताया इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व है, पहला नेशनल पार्क है इंडिया में, 100+ नेशनल पार्क, 42+ टाइगर रिजर्व है। तो
इतना जबरदस्त कोई किसी नेशनल पार्क का या टाइगर रिजर्व का ऐसा इतिहास नहीं है, बट जो हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना इसका इतिहास थोड़ा बहुत ज्यादा जबरदस्त है। अच्छा लगता है किसी को बताने में कि जो 1936 में जब ये पार्क बना था इसका नाम पड़ा था हेली नेशनल पार्क। मार्कन हेली जो है हमारे यूपी प्रांत के ब्रिटिश गवर्नर थे उनके नाम पे पड़ा था। आजादी के बाद जब हमारा देश आजाद हो गया 1947 इसका नाम रखा राम गंगा नेशनल पार्क। राम गंगा कॉर्बेट से लगती एक नदी है जिसे कॉर्बेट की लाइफलाइन बोला जाता है क्योंकि इसमें 12 महीने पानी का स्तर काफी ज्यादा रहता है और कॉर्बेट के जो मेन जोन है डिकाला उसके बीच में से होते हुए जाती है, ठीक है, उसके नाम पे रखा था। ठीक उसके 10 साल बाद 1957 में इसका नाम फिर से चेंज किया, इसका नाम रखा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट इसलिए रखा भी रहे क्योंकि जिम कॉर्बेट साहब थे एक शिकारी, ठीक है, ये जो लोगों का मानना है, बट मेरा मानना नहीं है कि जिम कॉर्बेट एक शिकारी थे, बट मेरा मानना क्यों नहीं ये बात का मैटर है, जो लोगों का मानना है ये आपको बता दें। जिम कॉर्बेट एक शिकारी थे, हंटर जेम्स एडवर्ड जिम कॉर्बेट उनका पूरा नाम था। ये इंडिया में पैदा हुए थे 1875 में, फादर थे विलियम कॉर्बेट मदर मेरी जॉन, लगभग टोटल 13 भाई बहन 8वें नंबर के जिम कॉर्बेट। बचपन की शिक्षा उनकी उस टाइम में उस कॉलेज का नाम नहीं पता, बट आज उस कॉलेज का नाम बिरला विद्या मंदिर है, नैनीताल में पढ़ाई की है। जब कल नैनीताल साहब टन ले रहे थे ना जहाँ से कालाडूंगी करके जगह पड़ी थी, वो कालाडूंगी जो सामने घर था वो जिम कॉर्बेट का म्यूजियम जो बन गया जिम कॉर्बेट का घर था, समझ रहे हो ना। तो बचपन में उस कॉलेज का नाम उस टाइम में तो पता, आज उस कॉलेज का नाम बिरला विद्या मंदिर है। 10 से 15 साल की उम्र में बोलते हैं एक लैपर्ड मार गिराया था, बाद में बिहार में रेलवे में जॉब करते थे, उन्हें बुलाया जाता था। हमारे उत्तराखंड के दो पार्ट होते थे कुमाऊं और गढ़वाल, सुने कुमाऊं और गढ़वाल 18वें दशक में कभी राजा होते थे राजा उनके नाम पे कुमाऊं गढ़वाल बोलते हैं। 19वें दशक में जिम कॉर्बेट को बुलाया जाता था कुमाऊं और गढ़वाल में जब कोई टाइगर या लेपर्ड मेरिटर हो जाता था। ऐसी जिम कॉर्बेट को 1909 में उस टाइग्रेस को मारने का प्रस्ताव रखा गया जिसका पता है टाइग्रेस का इंसानों को खाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वो जगह पड़ती है उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है नेपाल बॉर्डर पे चंपावत, चंपावत वहाँ की बात बता रहा हूँ। आप मुझे बताओ एक टाइग्रेस ने कितने लोगों को मार दिया होगा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, बताइए समथिंग समथिंग आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 450 लोगों को मारा था जो सरकारी डाटा है, 450 लोगों को, थोड़ा धीरे हाथी का मूवमेंट है, हाथी का मूवमेंट ना, 450 लोगों को, 450 लोगों को मारा था जो एक सरकारी डाटा है, बट लोकल विलेजेस बोलते हैं वो टाइग्रेस पहले नेपाल से नेपाल में मेनिटर हुई थी, नेपाल आर्मी की मदद से इंडिया में खदेड़ दिया गया। इंडिया और नेपाल दोनों देशों में मिलकर उसने 1000 से 1200 लोगों को मारा था। जब जिम कॉर्बेट को उसे मारने का प्रस्ताव रखा गया तो जिम कॉर्बेट ने मना कर दिया, उसने एक शर्त रखी क्योंकि उस टाइम में क्या होता था जो मेनिटर टाइगर टाइग्रेस और लेपर्ड होते थे इन्हें मारने के लिए गवर्नमेंट एक अच्छा खासा इनाम रख देती थी। हाथी का मल पड़ा है, मतलब हाथी ताजा गया है, ताजा गया है यहाँ से ना। हाँ हाँ, अभी मिले ना हाथी, ये सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है, लगा भी नहीं पाएंगे बैग क्योंकि पर्दा लगा, मिले तो दूर मिले। तो जब उन्हें प्रस्ताव रखा उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने क्या कहा कि भाई मैं इसे मारने की इनाम की राशि नहीं लूंगा, इसीलिए जिम कॉर्बेट मेरी नजर में शिकारी नहीं है। उन्होंने लोगों की भलाई के लिए अपनी जान भी जोखिम में डालकर उस टाइग्रेस को मारा था। तो जब उनकी डील फिक्स हो गई तो जिम कॉर्बेट चंपावत डिस्ट्रिक्ट के लिए निकल गए। उस टाइम पे कोई ऐसा ट्रैवल तो होता नहीं था, जिस दिन वो वहां पहुंचे उसी दिन उस टाइग्रेस ने 13 साल की मासूम बच्ची को मारा था। जिम कॉर्बेट बिना समय व्यर्थ किए उसे ट्रैक करना शुरू कर देते हैं और उसको ट्रैक करते हुए उस तक पहुंच भी जाते हैं। जंगल में सिर्फ एक मौका मिलता है आप या वो, उस मौके को गवाए बिना जिम कॉर्बेट अपनी राइफल से उसे मार के एक लंबे अरसे से चंपावत डिस्ट्रिक्ट के लोगों को उसके भय से भयमुक्त कराते हैं। फिर ऐसा जिम कॉर्बेट ने 1926 में उत्तराखंड का एक जगह पड़ता है रुद्रप्रयाग, सुने रुद्रप्रयाग में उस तेंदुए का उस लेपर्ड का शिकार किया था जिसने 5 जून 1918 से लेकर 2 मई 1926 तक रुद्रप्रयाग के लोगों का और बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वाले यात्रियों का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया था। एक सीरियल किलर की तरह लोगों को मारा था उस लेपर्ड ने। वो इतना खूंखार लेपर्ड था कि वो लोगों के घरों के दरवाजे तोड़ के घरों के अंदरों से ले आता था। वो एकमात्र ऐसा लेपर्ड था जिसके चक्कर में उस जमाने में 3000 शिकारी 2500 पिंजरे और मरी हुई लाशों को जिन्हें दोबारा खाने आता था उनमें जहर डाला जाता था। वो बॉडी के उन पार्ट को खाता ही नहीं था जिनमें जहर होता था, वो इतना शार्प हो गया था। वो एकमात्र ऐसा लेपर्ड था जिसके चक्कर में हिंदुस्तान का नाम आजादी से पहले विदेशों के अखबारों में छा गया था। पूरा नहीं बताऊंगा, खुद पढ़िएगा, एक बता रहा हूं बस। उसका पहला शिकार था 5 जून 1918 एक चरवाहा जो 14 साल का लड़का था, उस पे 40-50 भेड़े थी। उसका जो मालिक था उसका 2 कमरों का मकान था, ऊपर वाले रूम में मालिक रहता था, नीचे वाले रूम में चरवाहा रहता था। चरवाहे के रूम का एक दरवाजा था, कोई विंडो नहीं थी, उस पे 40-50 भेड़ी थी। उसका मालिक क्या करता, चरवाहे को रोज सूरज उगने के उगते ही जंगल में भेज देता, सूरज ढलने से पहले वो चरवाहा वापस आता। जब चरवाहा वापस आता तो वो 50 भेड़ों को नीचे वाले रूम में पहले चरवाहे को डालता, फिर 50 भेड़ों को कूच कूच कूट कूट के भर देता और दरवाजा बंद कर देता। सेम प्रोसेस उस दिन भी उसने यही की, जब चरवाहा वापस आया पहले उसने चरवाहे को डाला बेसमेंट में, फिर 50-60 भेड़ों को डाला गुट गुट कर दरवाजा बंद कर दिया। बट नेक्स्ट डे जब वो उठ के आता है ना, वो देखता है दरवाजा टूटा होता है, उसमें ब्लड लगा होता है। बट जो उसका मालिक सोचता है कि जो भी लेपर्ड वगैरह होगा वो उसकी भेड़ों को ले गया होगा, बट वो ताज्जुब खा जाता है, वो लेपर्ड उन 50-60 भेड़ों के पैरों के नीचे से जाके उस चरवाहे को ले गया था। पहला शिकार उसका।
बहुत जबरदस्त शिकार था, बुक पड़ेगा था मैंने रुद्रप्रयाग वाला। तो फिर ऐसा जिम कॉर्बेट ने वीरे कई आदमखोर ना जो नरभक्षी हो जाते थे, आदमखोर हो जाते थे, गांव के गांव खा जाते थे, उनका शिकार किया था। उन लोगों से पूछो, यहाँ कोई शिकार नहीं हुए तो उन लोगों से पूछो जिन्होंने दर्द झेला। आज भी आप रुद्रप्रयाग जाओगे, जिस पेड़ से जिम कॉर्बेट ने उस लेपर्ड को मारा था, मचान बना के मारते थे ना, उस पेड़ को पूरा म्यूजियम बना दिया है। और 25 जुलाई को जिम कॉर्बेट के बर्थडे को वहाँ पे एक बड़े फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। 8 साल बहुत होते हैं गुरु के काले साए में, एक वो भी एक बाघ के चक्कर में। उस लेपर्ड ने 148 लोगों को मारा था और 2000 से ऊपर उसने जानवर मारे थे, जो एक सरकारी डाटा। और जो उससे मिसिंग हुए थे उसका कुछ नहीं पता है, पता हाँ सरकारी डाटा हमेशा कम रहता है। तो ऐसा जिम कॉर्बेट ने कई आदमखोर टाइगर टाइग्रेस और लेपर्ड जो नरभक्षी हो जाते थे, गाँव के गाँव खा जाते थे, उनका शिकार किया था, समझ रहे हो ना। आजादी के बाद जिम कॉर्बेट यहाँ से चले गए, उनका बंदूक बहुत रेयर था, उन्होंने एक ही बंदूक से सारे शिकार किया। तो उस बंदूक को 1951 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन उसके म्यूजियम में रख दिया था। 1953 में जिम कॉर्बेट अपनी बहन, उनकी बहन का नाम था मैगी कॉर्बेट, पेड़ों पे मचान बना के केनिया में रहते थे। तो ब्रिटेन की राजकुमारी एलिजाबेथ जब केनिया दौरे में थी तो एक राजकुमारी एक हंटर से इतनी प्रभावित हुई कि उनसे मिलने के लिए उनके वॉच टावर में आई और कुछ दिन रही भी। जिम कॉर्बेट एक अच्छे राइटर भी थे, इतने जबरदस्त राइटर थे कि उनके लिखी हुई बुक अगर पढ़ लोगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। द मैनीटर ऑफ कुमाऊ, मैनीटर ऑफ चंपावत, मैनीटर ऑफ रुद्रप्रयाग, बैचलर ऑफ पवलगढ़। पवलगढ़ एक विलेज का नाम है, आपने जी विलेज का नाम आपने कभी नहीं सुना होगा, जो पवलगढ़ एक गांव का नाम है। जब आप जिम कॉर्बेट का बुक पढ़ोगे ना, आती तो नहीं है, गाड़ी बेकार ही है, मतलब इस साइड में कुछ है। शीशा नीचे करो पहले आप अपना, तो बिना शीशे के दिखेगा नहीं ना। अरे भक्ता मद्दो कौन तो दिख रहा था अभी, यहाँ मुझे लग रहा है ऐसी कंडीशन में खाली हाथ दिखा दिया। नहीं है भैया, नहीं है। अरे अपनी आँखें शार्प है यार, मैं ऐसे नीचे ही करो भैया, बिल्कुल नहीं देख पा रहा हूँ। थोड़ा ऊपर पानी अब भैया ऐसा ना, थोड़ा बहुत पानी रहेगा, नो इशू, कितना चलता है। अच्छा, अरे यही तो एडवेंचर है, बारिश में आए गाड़ी फंसे, हम तो कह रहे हैं गाड़ी वाड़ी फंसे, थोड़ा कीचड़ लगे, थोड़ा मिट्टी लगे, तब तो एडवेंचर है। सही है, टच बन के घुमाए, टच बन के वापस आ गए, ये कोई सफारी नहीं। लोग कहते हैं टाइगर चार्ज ना करे, मैं तो कहता हूँ टाइगर साला मेरी गाड़ी पे चार्ज करे यार, पहले से फेमस हो और फेमस हो जाऊंगा। बाबा यार उसकी गाड़ी में चार्ज हुआ था युवराज भाई की। इस वाले जोन में मैं वाकई में बहुत कम आता हूँ, मेरे पास जो काम है वीरे वो सारा ऑनलाइन है, क्लाइंट मुझे बहुत पहले फोन कर देते हैं, तो ज्यादा चलता हूँ मैं अंदर वाले जोनों में ना। ये तो आपने कल, मैंने फिर भी आपको लास्ट मिनट तक मना कर रहा था, मैंने यार भाई रहन दो रहन दो, मैंने कहा नहीं यार भाई आए करना है करना है, मैंने कहा चलो यार कर लो। ये है यार गाड़ी रोकने का मतलब ये था कि कहीं ना कहीं देखा होगा ऐसा ना, वो गेस्ट ने देखा था सर। ऐसा होता है कि जो हम लोग है ना, हमारी आंखें बहुत शार्प हो जाती हैं, ये रोज रेगुलर काम होता है हमारा ना, ऐसा ना होगा उनके पास। दूरबीन तो चलती गाड़ी में वैसे भी नहीं काम करता सर। तो उस गांव का नाम जो मैं पवलगढ़ गांव का नाम बता रहा था, उनने बुक लिखी है बैचलर ऑफ पवलगढ़, तो उस गांव का इतिहास तब पता चलेगा जब आप जिम कॉर्बेट की बुक पढ़ोगे बैचलर ऑफ पवलगढ़। वहां जिम कॉर्बेट ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा टाइगर मारा था, गलती से मर गया था, किसी और को मारना चाहते थे, वो मर गया, तो उस पर बुक लिखा बैचलर ऑफ पवलगढ़ कुंवारा टाइगर। वो कितना बड़ा था पता है, 11.5-12 फीट लंबा टाइगर था, इतना जबरदस्त। हाँ इतना जबरदस्त टाइगर, क्योंकि टाइगर अपनी टेल से मूंछ के उस तक नपता है, पता है पूंछ से नपता है ना टाइगर अपनी पूंछ। ट्रीट ऑफ माय इंडिया जंगल लोड जैसी जिम कॉर्बेट ने फेमस बुक लिखी है। 1956 में जिम कॉर्बेट केनिया में एक्सपायर हो गए थे, तब उन्हें श्रद्धांजलि देने के तौर पे 1957 में इस नेशनल पार्क का नाम उनके नाम पे रखा, आया समझ में। 1936 में जब ये पार्क बना था इसका क्षेत्रफल कुल 323 स्क्वायर किलोमीटर था, आज इसका क्षेत्रफल 1288 स्क्वायर किलोमीटर है। 2 स्टेट लग जाते हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट लग जाते हैं, 8 गेट पड़ते हैं, हर गेट से दूसरा गेट का दूरी 70-60-35-40 किलोमीटर है। एनिमल का जो यहाँ पे काउंट है, ध्यान से सुनिएगा, पूछते भी रहेंगे क्योंकि 250+ टाइगर, 1000+ एलिफेंट, 50,000+ डियर, 600+ बर्ड, क्रोकोडाइल, लेपर्ड, जंगली भालू, मॉनिटर लिजर्ड, मार्टिन, मंगूस, जैकॉल, स्नेक में वाइपर, पैंथर, कोबरा, किंग कोबरा, कॉमन करत, 110 प्रकार के ये अलग अलग नेचुरल पेड़ है, दिखाओ पीछे पूरा, और 51 प्रकार की अलग अलग झाड़ियां हैं और 30 प्रकार के अलग अलग बांस है बैम्बू। ओके, मैंने आपको बताया यहाँ पे 250+ टाइगर है, कैसे काउंट होता होगा आप मुझे बताओ, यहाँ पे गिनती कैसे होती होगी, जैसे आपके राजस्थान में रणथंबोर है, ये सब जंगल किसी जमाने में राजाओं के हंटिंग पॉइंट होते थे, समझ रहे हो ना, वहाँ आपको ऐसा जंगल नहीं मिलेगा,
आजकल आप रणथंभौर जाओगे आपको पूरा ड्राई मिलेगा, ड्राई मिलेगा। ये जंगल इतना घना है, इतना ग्रीनरी है इसमें कि इस टाइम में भी इसमें ग्रीनरी बची है, इतना दम है इस जंगल में लगा रहे हो ना। हाँ, तो सूखा पड़ने का टाइम है। ये टीक वुड देखो पूरा, अपने नीचे देखो, लोग इस लकड़ी को अच्छी बताते हैं, पर मैंने बताया ना इंसानों की बाजार में वो अजीब विडंबना है, वो लकड़ी सबसे ज्यादा महंगी है जिसका पेड़ जानवरों के लिए और नेचर के लिए बहुत खराब है, बहुत खराब है। कहीं ग्रंथों में लिखा है क्या टीक का फर्नीचर बनना चाहिए? नहीं है ना, जबरदस्ती सब नासूर देखे गए हमें अंग्रेज हमें ना। तो यहाँ पे रणथंभौर साइड सरस्का और जगह पार्कों में जो टाइगर काउंट होता है वहाँ के टाइगरों की एग्जैक्ट लोकेशन पता रहती है, वो काउंट करते हैं बड़े भाई कॉलर से, उसके गले में जीपीएस डिवाइस होता है, कॉलर डाल देते हैं। बट हमारे पार्क में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है पता, यहाँ पे जब गिरा हुआ पेड़ नहीं उठा रहे तो ऐसा कैसे कर देंगे, यहाँ पे टाइगर काउंट कैसे करते हैं, 250 प्लस टाइगर मैंने कैसे बताया। यहाँ पे गवर्नमेंट कैमरा लगाती है, कैमरा अधिकतर लगाती है, मेट सीजन में कैमरा लगाएगी पेड़ों की जड़ों पे। अगर एक कैमरा इधर लगाया है पेड़ की जड़ पे तो ठीक इसकी विपरीत दिशा में भी दूसरा कैमरा लगता है। अभी आप सोचोगे फोटो एक से भी आ सकता है, दो तरफ से कैमरा क्या मतलब, दो तरफ से कैमरा सिर्फ टाइगर के लिए, क्योंकि जब उसके बीच से ध्यान से सुनिए, जब उसके बीच से टाइगर गुजरता है कैमरा दोनों तरफ से क्लिक करता है। हर टाइगर का अपना एक अलग ब्लैक स्ट्रैप होता है, समझ रहे हो ना, जैसे होती है हमारी फिंगरप्रिंट, इससे होता है इनका काउंटिंग। यहाँ ये तो पता है कितने टाइगर है पर ये नहीं पता कहाँ कहाँ पे, इसलिए यहाँ के टाइगर को रेस्क्यू करने में प्रॉब्लम हो जाता है जब वो नरभक्षी होता है, आदमखोर होता है। आप गाड़ियों को छोड़ दो, गाड़ी अपने आप घूमेंगी अपने हिसाब से, आप छोड़ दो, हमारा काम था अंदर डालने तक बस। सबको साथ लेके चलेंगे तो नहीं घूम पाएंगे फिर, ठीक है। अगर मौसम अच्छा भी रहता तो एनिमल देखने के लिए मैं सारी गाड़ियों को अलग अलग भेजता, ना कि पांच गाड़ियों को इकट्ठे चलाता। पांच गाड़ियां इकट्ठे जाएंगी तो आवाज अपना ग्रासलैंड नहीं है, और ग्रासलैंड में जो डियर वगैरह रहता है इनका मूवमेंट थोड़ा ज्यादा रहता है, और रही बात टाइगर की रहती है तो बारिश के बाद थोड़ा मूवमेंट ना डिस्टर्ब हो जाता है। अगर ये बारिश पड़ी छोटे छोटे गड्ढों में भी पानी भर रहा होगा, कि गर्मी का टाइम है, मैंने पहले ही बताया था पानी के लिए टाइगर मूवमेंट बाहर करता है ज्यादा। अगर ऐसी जगहों पे गड्ढों पे पानी भर रहा है तो टाइगर छोटे से मैं संतुष्टि कर लेता है, जब उसे अपने बेडरूम के पास ही पानी मिल रहा तो बाहर क्यों निकलेगा, समझ रहे हो ना। और रही बात दूसरे बड़े जानवर में एलिफेंट का, एलिफेंट का तो बड़े भाई प्रॉपर कोई एरिया नहीं होता, एलिफेंट एक माइग्रेट करने वाला जानवर है, खाता रहता चलता रहता है, 24 घंटे में से 16-17 घंटे चलता है, इसलिए उसका कोई प्रॉपर एरिया नहीं। किस वाले एरिया में एलिफेंट आजकल ज्यादा इसलिए आता है क्योंकि अगल बगल जो आप गर्मी का टाइम है, जो एक तो बड़े पेड़ लगे हैं मेरे, ये जो बड़े पेड़ है ये है सालवुड, सालवुड समझते साल टीक वुड हो गया अपना, साल पीछे जो अपने देखे थे वो टीक वुड थे जहाँ से आप आए थे। टीक वुड क्या है, यहाँ पे प्लांट किया हुआ है टीक, समझते हो आप लोग, टीक का लकड़ी काफी अच्छा होता है ना, किस काम आता है, फर्नीचर, फर्नीचर वाला, फर्नीचर का रहता है ना। और फर्नीचर कौन यूज करता है, इंसान, है ना। तो इंसान इतना, और जंगल किसका है, जानवरों का, मतलब इंसान इतना महत्वाकांक्षी है कि जानवरों की रहने वाली जगह पे अपनी जरूरत का पेड़ लगाया, जो बाहर बाहर की तरफ है, ये नहीं, ये तो अच्छे पेड़ है, जो बाहर की तरफ है। टीक वुड में दिखाऊंगा, आगे भी बढ़ेगा, ऐसे मैन मेड तालाब बनाती गवर्नमेंट एनिमल के लिए, पानी के लिए। तालाब का दीदार करो, तालाब का ये एनिमल के लिए तब बनाती है कि यहाँ पे पानी पीने के लिए, पानी पीने के लिए। पर अभी क्या पानी, तो बारिश हो रही है, अंदर भी मिल रहा है पानी पीने के लिए। यही भी है पास में ही है। अरे क्यों, आपने सुना नहीं, हम गाड़ी जब धक्का दे रहे थे हाथी इतनी तेज चिहाड़ा, वो गाड़ी खड़ी थी, उन्हें सुना है अगल बगल ही हाथी नहीं। अरे ऐसे में कहना है, जानवर हाथी सबसे खतरनाक है, रियल में हाथी सबसे खतरनाक। और वो एलिफेंट जो झुंड से अलग रहता है, जो बचपन से ही झगड़ा है लो, गुस्सा है लो, इनकी ग्रुप की लीडर होती फीमेल, इनकी दादी, वो से झुंड से अलग कर देगी, वो बनेगा खतरनाक हाथी भाई। ये तो उनका मेटिंग सीजन का टाइम है, इस टाइम में तो बना देते हैं फुटबॉल। हमें राउंड सर्कल है, राउंड सर्कल में 22 किलोमीटर है, समझ रहे ना। कई सारे रस्ते हैं इसमें, अभी हर रास्ता खुला नहीं होगा ना, बारिश है, कहीं डाल दी गाड़ी फंस गई, फिर
स्क्वायर किलोमीटर में 25 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा जंगल जो है ना, बता रहे हैं अपने वाला जोन है 25 किलोमीटर में ना, अपना अपना जोन है ना, बाटो जोन। सेल आउट होती है पर यहाँ से बढ़िया आपको राजस्थान में ही मिल जाएगी। अच्छा। मड़ा रणथंभौर में, क्योंकि यहाँ गाड़ी 15 चलती है, वहाँ चलती 10 साल। हाँ इस लाइन में, वो रे हिरन खड़े ना, हिरन है वो जा रहे हैं ना सामने, दिख रहे हैं वो दूर है, पर यार है तो दूर ही है, देखना भी। चलो कोई ना सर, सुनो दूर बहुत दूर है, चश्मे में दिखेंगे, आगे रोक रोक। अरे इस कोने में है वो, बहुत बारीक दिख रहे हैं वो, इधर से जा रहे थे ना, अब तो गया वो भी, गया वो तो वो आ गया, देखो रोड में आ गया सर, वो रोड में आ गया, दूसरा दिख रहा है जाता हुआ, नहीं दिखा वीडियो बना, मोबाइल कैप्चर नहीं कर पाया, उठे यार सर वो दूर है ले। हाँ तो युवराज भाई डिकाला का क्या सीन है? डिकाला का बड़े भाई इसलिए वैसे, एक तो वहाँ पे स्टे कंपलसरी, अगर आपने जीप सफारी करना है तो एक रात आपको जंगल के अंदर रुकना पड़ेगा, डिकाला में रुकना पड़ेगा, डिकाला रुकना पड़ेगा। सरकारी गेस्ट हाउस होते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, ब्रिटिश टाइम के बने हुए, FRH बोलते हैं उन्हें, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, कुछ उनकी गाइडलाइन भी होती है, जैसे कुछ नियम है, जैसे चटकीले कपड़े नहीं पहन सकते आप वहाँ पे, परफ्यूम नहीं लगा सकते, म्यूजिक नहीं, नॉनवेज नहीं, स्मोकिंग नहीं, ड्रिंक नहीं, आप फुल नेचर को फील करके रहोगे, समझ रहे हो ना। नाइट स्टे का मतलब नाइट सफारी नहीं, नाइट स्टे का मतलब आप रहोगे जंगल के अंदर, घूमोगे देवी जी की, टाइमिंग यही रहेगी मॉर्निंग 6 से नाइट में बस स्लीप करना। हाँ जंगल के अंदर आप रुकोगे, चारों तरफ से आपकी सोलर फैंस होगा, आप पूरा नेचर को फील करके, जो कॉमन आवाजें होती है वो आप अपने रूम में इजिली सुन सकते हो डिकाला को, इसलिए बेस्ट है डिकाला बड़े भाई। और ऊपर से पानी का जो लेवल है वहाँ पे, जो रामगंगा नदी, वो काफी ज्यादा है, ठीक है। पहुंचे हैं, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, वो एक ट्री हाउस बना हुआ है, और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये वॉशरूम वगैरह करने के लिए यहाँ पे रोका जाता है। सो अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो बाहर हम नहीं निकलेंगे, बस अभी मैं अंदर जाऊँगा वापस गाड़ी में, क्योंकि भीग रहा हूँ। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक दिया गया है ताकि कोई वॉशरूम वगैरह जाना चाहे तो जा सकता है, और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है यार बाहर, तो बाहर तो निकलने का मन भी नहीं कर रहा, क्योंकि बाहर निकलते भीग जा रहे हैं और मैं भी लगभग भीग चुका हूँ, और धीरे धीरे ठंड भी लगने लगी है, तो गाड़ी में बैठे रहते हैं। बाहर का व्यू मैंने आपको दिखाई दिया, तो अभी निकलते हैं यहाँ से। कौन सा वाला चंदन बोलते हैं इसका, ये वाले तीनों पेड़ जो दिख रहे हैं, ये ब्लैक ब्लैक जो, ये रेड चंदन है, व्हाइट चंदन है, इसको अंदर इसमें रेड रेड वर्ल्ड टाइप का होता है, बीच सेंटर में पुष्पा वाले, पुष्पा वाले चंदन है क्या? पुष्पा वाले है, व्हाइट होगा यार, पुष्पा वाला है, व्हाइट वाला है, ये रेड वाला है ना, रेड वाला पेड़, आप तो रेड वाले तो पुष्पा वाले वाले ना, चंदन के पेड़ है, बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। गाइड भाई बैठा था, उसने व्हाइट बताया था, उसमें लगा व्हाइट हो गया।
मस्ती करे सबसे ज्यादा इस वाले गाँव में। हाथी से मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाथी ना करीब आए गैस पे चिल्लाए ना, बस गैस डर जाता है डरने से, बहुत ज़्यादा चिल्लाए तो भयंकर, उसके बाद वो और ज़्यादा एग्रेसिव होता है हाथी और तोड़ फोड़ करेगा, उसका कोई मतलब नहीं। नहीं ऐसे एरिया में टाइगर ज़्यादा पसंद करता है, पीलू की घास है बैठना है, हरियाली हो रही ना ग्रासेस। अभी तो कहीं झाड़ी में घुसे में बैठ के मज़े ले रहा होगा, तो ये सबसे एडवेंचर है ना, एडवेंचर ट्रैक है पूरा है। अपने अलावा कोई जिप्सी भी नहीं आया ना इधर, तालाब वो फिर आ गया, ऐसी वाटर बॉडियाँ। तो वो क्या करते हैं टाइगर का, तो आज भी वैसे नहीं करता, अर्ली मॉर्निंग जो भी मूवमेंट करेगा वो कई देर तक नहीं होता है, सेकंडों का मूवमेंट होता है। टाइगर कैसे दिखेगा, या तो रोड पार करते हुए बीच रोड में दिख गया, वो क्या कुछ सेकंड के लिए दिखा, या तो और पानी में बैठा हुआ दिखता है शाम के टाइम में, गर्मी पड़ती है जब ना, दिन की सफारी में पानी में बैठा ज़्यादा देर तक अगर दिख जाएगा तो पानी में बैठा हुआ, नहीं तो ऐसे कोई मतलब नहीं होते, खुले में आके बैठ जाए जब। टाइगर घायल क्यों करता हुआ, तो कंडीशन होती है। अब जैसे एक टाइग्रेस ने अपने बच्चों को जन्म दिया, बच्चों को जन्म देने के बाद कई दफ़े जंगल में फूड की कमी होने के कारण या बच्चों को दूसरे टाइगरों से बचाने के लिए वो फीमेल क्या करती, बफर जोन वाले एरियो में मूवमेंट कर जाती है। बफर जोन वाले एरियो में थोड़ा इजी फूड मिल जाता है, जैसे घरेलू गाय भैंस वगैरह होते हैं जो जंगलों में चरने आते हैं, तो जंगल में वो एम्बुश करके हंट करने के लिए बैठी है उन गाय भैंसों को। उसी दौरान उन गाँव की लेडीज जो कभी जंगल के अंदर रहते थे, जिन्हें बाहर सीट किया 1972 फॉरेस्ट एक्ट के तहत, उन्हें अलाउड है जंगल में बफर जोन में इन एरियो में लकड़ी काटना, घास ले जाना। तो इन एरियो में जब बफर जोन में ये जंगल के अंदर घास काटने जाती हैं, और जब ये घास काटने के लिए झुकती हैं तो इनका शेप बनता है एनिमल की तरह। तो जो वो टाइग्रेस है वो तो बैठी है गाय भैंसों के लिए, और टाइगर को दिन में दिखता है बिलर, तो उसे एनिमल समझ के झपटती है। टाइगर जो है एनिमल सब समझ के झपटेगी, जब झपटेगी इधर तो इंसान है, तो उस दफे कई दफे कंडीशन में इंसान ज्यादा में घायल हो जाता है और बहुत में रेयर में मर जाता है, ठीक है। एक कंडीशन ये, और दूसरी कंडीशन क्या है मेनिट्रोन की, जैसे कोई टाइगर बड़ा हुआ, अब वो बड़ा होगा मां से अलग हो गया तो अपनी टेरिटरी बनाएगा, मेल टेरिटरी बनाएगा, तो पेड़ों में क्लो मार्किंग चेक करेगा, अगर उसे क्लो मार्किंग हल्की है तो इसका मतलब अंदर वाला टाइगर हल्का हो गया, वो अपनी टेरिटरी भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है, बूढ़ा हो गया या जो भी हो गया, तो वो उसकी टेरिटरी में विजिट करेगा, फिर उन दोनों में फाइट होगी, जो जीतेगा वो वहीं रहेगा, जो हारेगा टेरिटरी छोड़ देगा, फिर हर टाइगर हराता रहेगा, आबादी में तो आएगा नहीं, लास्ट में कहां आ जाएगा, बफर जोन में। यहां भी वो भी हंट करने के लिए बैठा है उन गाय भैंसों को ही, पर इसी दौरान जब जंगल में गांव की लेडीज आती है घास काटने के लिए झुकती है, तो जब ये घायल टाइगर उस पर झपटेगा, तो उस कंडीशन में अगर इंसान उससे मरता है तो यार ये तो बड़ा इजी शिकार था यार, वो सोचता है मैं तो खाली डरता था इंसान से, समझ रहे हो ना। तो ये जो बातें मेरी है ना वीरे, ये एक मूवी आई है विद्या बालन की शेरनी, ये मेरी बातें समझ लो मूवी में दिखाई गई है, ऐसी है सब बातें, ऐसी हैं जंगल की बातें, उसमें सच दिखाया गया, उसमें सब दिखाया। मैंने बताया ना मैनेटर होने का क्या है, ये है कारण, जब शरीर के अंग खराब हो जाए, बूढ़ा हो जाए, अपने शिकार को कवर ना कर पा रहा, आप यहाँ खुली गाड़ी में सफारी कर रहे हो, कई लोगों का सवाल होता है जब टाइगर करीब से देखते हैं फिर पूछते हैं युवराज भाई खुली गाड़ी में थे यार, ऐसे अटैक वगैरह तो नहीं करता। ये मैंने आपको टाइगर कितने बताए यहाँ पे, 250+, और डियर कितने बताए, 50,000। इन 50,000 हिरनों की वजह से आप खुली गाड़ी में सफारी कर पा रहे हो, ओके। जिस दिन ये हिरन कम होने लगे ना, तो हमें टाइगर नहीं ढूंढना पड़ेगा, वो हमें ढूंढता आएगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे उसे फूड अवेलेबल है, अभी उसके फूड मेन्यू में ह्यूमन नहीं है, उसमें अपने डियर, उसे क्या मतलब इंसानों से यार, शाही एनिमल है ना, नहीं मतलब है। तो क्या भूखा थोड़ी रहेगा यार, तब जो उसे मिलेगा वही खाएगा, चलता है। इसको ऊपर से मत करना, मैं खोल रहा हूं। तो फाइनली पहुंच गए हम अपनी गाड़ियों की ओर, और अभी यहां से गाड़ी उठा के जाएंगे सीधे होटल की तरफ। बहुत एंजॉय किया, और ये हमारे ग्रुप के मेंबर्स बाहर उतरते हैं। आपको कैसा फील हुआ सफारी करके? अरे बहुत शानदार, एक लेपर्ड देखा था, उसका मैंने ग्रुप में फोटो भी डाला है। लेपर्ड देखा वहाँ पे, लेपर्ड देखने को मिला, जो आप भी देख सकते हो इस वीडियो में। बहुत बहुत इंजॉय किया, बट सबसे ज़्यादा जो कुछ ना देखने को मिला और जो फील कराया युवराज भाई ने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान है। अगर आप भी यहाँ पे आते हो देखने के लिए, या आप चाहते हो यहाँ पे टूर, सफारी टूर करने के लिए,
तो भाई से ज़रूर कॉन्टेक्ट है, इनके नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पे जाके इनको कॉन्टेक्ट करके आप भी यहाँ पे आ सकते हो और बहुत अच्छी तरीके से गाइड करते हैं। ये तो सारा कुछ वीडियो में आपने देख ही लिया है। लेपर्ड का सामना किया, बहुत अच्छा लगा और थोड़ा बहुत तो हिचकिचाहट हुई परंतु फिर भी सामना किया। थैंक यू। सो गाइस आप देख सकते हो कि कितने एक्साइटेड है सारे बंदे। बाकी अगर आप जंगल सफारी करना चाहते हो और यहाँ पे आना चाहते हो तो इस वीडियो में देख के और आप भी टूर गाइड कर सकते हो, जंगल सफारी जिम कॉर्पोरेट पार्क का आनंद ले सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ शेयर भी कीजिए।